कि सवाल यहाँ थी कि मौत का नहीं है, सवाल यहाँ सिर्फ की मौत का नहीं है, सवाल है इंस्टीट्यूशनल मर्डर का। हम किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ मीडिया तय करती है कि कौन गैंगस्टर है और कौन नहीं, जहाँ आज मीडिया तय कर रही है कि किसकी हत्या होगी किसकी नहीं, जहाँ मीडिया एक माहौल बना रही है कि अभी ये गया हो दो दिन बाद वो जाएगा। मीडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो आज भारत में फैल रहा है इसे रोकना होगा। नहीं, उसने जैसा किया वैसा, जैसी करनी वैसी बनी। तो मैं आपको बता दूं कि यही मामले जब हरियाणा के अंदर जुनैद और नासिर को मारा गया, क्या उस मामले में जैसी करनी वैसी बनी का सिद्धांत लागू होगा? कारण है कि सतपाल मलिक जो है पुलवामा अटैक की बात करते हैं, वो कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया उस बात को नहीं दिखाती कि अगर वहां अल्लाहू अकबर के नारे लग जाते और कोई मौत हो जाती तो पूरा देश चलता। आज ये पूरे देश को चला देते और इनकी मंशा भी यही थी। अगर आप ये सोचते हो कि अतीक अहमद के वकील के ऊपर आप हमला करके उनकी आवाज को दबा सकते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम उनके एडवोकेट के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब अगर आप मुझसे एज एन एडवोकेट पूछ रहे हैं तो उसका जवाब बिल्कुल अलग होगा, परंतु एज ए इंडियन सिटीजन पूछ रहे हैं तो उसका जवाब बिल्कुल शायद बिल्कुल अलग हो। अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो हत्या है ये लीगल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है या रिलीजन बेस है, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस हत्या में शामिल है। अब आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि कोई लोग आए और उन्होंने अतीक अहमद को मार दिया और बात खत्म हो गई, ना, ऐसा नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि अतीक अहमद और उनके भाई ने पहले ही शासन प्रशासन को चेता दिया था कि हफ्ते दो हफ्ते के अंदर हमारी हत्या हो सकती है। उन्होंने पूरी की पूरी रूपरेखा बता दी थी और उन्होंने ये भी बता दिया था कि हो सकता है हमारा एनकाउंटर हो, उन्होंने ये भी बता दिया था हो सकता है हमारे लोग मारे गए हो। अब यहाँ लोग आता है कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अतीक अहमद के साथ जो हुआ है, अतीक अहमद ने जैसा किया वैसा, जैसा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा भरा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ना तो मैं अतीक अहमद का समर्थक हूं, ना ही मैं विकास दुबे का समर्थक हूं, परंतु ये जब आप अतीक अहमद के मामले में कर सकते हैं तो क्या यही प्रतिक्रिया खेलांजी मामले में होगी? क्या यही प्रतिक्रिया बथानी टोला में होगी? क्या यही प्रतिक्रिया फूलपुर बाथे में होगी? और क्या यही प्रतिक्रिया मनीषा वाल्मीकि के मामले में होगी? क्या यही प्रतिक्रिया जो है जो भीमचंद के मामले में होगी? और क्या यही प्रतिक्रिया फूलन देवी को मारने वाले हत्यारों के साथ होगी? परंतु अगर मैं आपसे सवाल करूंगा तो आप ये कहेंगे कि नहीं, ये तो हर चीज को जातिवाद और धर्म का नाम देते हैं। जब आप जाति देख के मारते हो, जब आप धर्म देख के मारते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम उस भारत में नहीं बैठे जहां आप हमें बोलने की आजादी ना दो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सवाल यहां थी कि मौत का नहीं है, सवाल यहां सिर्फ की मौत का नहीं है, सवाल है इंस्टीट्यूशनल मर्डर का, शासकीय मर्डर का, गवर्नमेंट स्पॉन्सर मर्डर का। और आप ये कहेंगे कि मैं अतीक की समर्थन कर रहा हूं, मैं ना तो अतीक का समर्थन कर रहा हूं, ना ही मैं विकास दुबे का समर्थन कर रहा हूं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो ग्लोरीफाई करते हैं, आज जो कह रहे हैं कि नहीं उसने जैसा किया वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैं आपको बता दूं कि यही मामले जब हरियाणा के अंदर जुनेद और नासिर को मारा गया, क्या उस मामले में जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत लागू होगा? या आप हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनके मरने पर खुशियां मनाएंगे? या अगर कोई भी आप ये देखिए कि मानसिकता कि आज सोशल मीडिया पर एक वर्ग खुशी मना रहा है, एक वर्ग ग्लोरीफाई कर रहा है, एक वर्ग कह रहा है कि जिसपे मुकदमे वो मारे जाएंगे, तो मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद से ज्यादा मुकदमे वाले लोग भी हैं और जो शासन में बैठे हैं। तो जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दरा आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो अतीक अहमद की हत्या पर जो जश्न मना रहे हैं, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता किसी भी आतंकवादी का, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता किसी भी गैंगस्टर का, परंतु क्या कारण है कि सतपाल मलिक जो है पुलवामा अटैक की बात करते हैं, वो कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया उस बात को नहीं दिखाती? बल्कि आप ये देखिए कि या तो इसे स्टेट स्पॉन्सर डाइवर्जन बोल लीजिए, या इसे एक मैनिपुलेशन बोल लीजिए, या इसे सारे मुद्दों को ये तैयार बैठे थे कि भारत का कोई बड़ा मुद्दा आए और हम इस मुद्दे को डाइवर्ट कर दें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि सतपाल मलिक की बात डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है कि इस मामले में कुछ ना कुछ एंगल हो, परंतु उस एंगल पर कोई भी जो नेशनल मीडिया, जो मनुवादी मीडिया, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो नहीं बोलेगी। और मैं बता दूं, वो लोग कहते हैं कि मौत पर जश्न मनाना हमारी संस्कृति नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब भी भारत के अंदर मौत पे कोई जश्न मनाता है तो ये लोग मनाते हैं जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये मना रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि आज एक विशेष वर्ग और एक विशेष नारा इस भारत में अगर हत्या का पर्यायवाची बनेगा तो हम उस नारे का भी विरोध करेंगे, और विरोध खुल के करेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि उस नारे को बोलने से आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, तो होगा, यही होगा और भारत के अंदर होगा। जय श्री राम के नारे लगाए गए थे सर हत्यारों के द्वारा। मैं वही बात बता रहा हूं कि नारा चाहे जय श्री राम का हो या अल्लाह अकबर का हो, अगर नारा लगेगा और किसी के साथ भी अत्याचार होगा तो हम उस नारे के साथ नहीं है। और आप यह देखिए कि अगर मैं कहना चाहता हूं, चाहे इस बात पे मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए, कि अगर वहां अल्लाह अकबर के नारे लग जाते और कोई मौत हो जाती तो पूरा देश जलता, आज ये पूरे देश को जला देते, और इनकी मंशा भी यही थी। परंतु आज आप ये देखिए कि आपने तो अपने चैनल के माध्यम से बोल दिया कि वहां ये नारे लगे हैं, परंतु कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया, आप एक चैनल दिखा दीजिए जो इस बारे में बात कर रही हो कि वहां ये नारे लगे थे। और मैं किसी भी नारे का जो आदमी को इंसान से अलग करता है, मैं समर्थन नहीं करता, चाहे वो किसी भी धर्म का। देखिए, चाहे आज उन्हें वो ग्लोरीफाई करके हीरो बना दे, चाहे पूरा भारत उनके साथ खड़ा हो जाए, परंतु मैं आपको बताने रहना चाहता हूं कि हम उनके साथ ना थे, ना है और ना ही होंगे। दूसरी बात ये तो, अरे तुम क्यों भगवान राम का अपमान कर रहे हो, क्यों भगवान राम का अपमान कर रहे हो? अरे जय सिया राम वाले अलग थे, जय श्री राम वाले अलग थे। जो जय सिया राम वाले हैं वो एकता की, बंधुत्व की बात करते हैं, और जो जो जय श्री राम वाले हैं ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि जिससे भगवान राम भी बदनाम हो। ठीक है जी, आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, आरोपियों ने सरेंडर किया। सरेंडर भी देखिए, कहीं ना कहीं ये उनका जो सरेंडर था वो स्क्रिप्टेड था। अब ये आप ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटे मुकदमे में हो या बड़े मुकदमे में हो, वो पुलिस जब भी जाती है तो पुलिस कस्टडी की एप्लीकेशन मानी जाती, लगाई जाती है कोर्ट में, कि हमें इसकी पुलिस कस्टडी चाहिए, पुलिस कस्टडी जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, हमें इससे कुछ चीज डिस्क्लोजर करानी है, कुछ चीजें जो है स्टेटमेंट में और एविडेंस में जो है हमें कलेक्ट करनी है ताकि पुलिस कस्टडी में आके मिल जाए। परंतु इस मामले के अंदर ये बड़ा शॉकिंग था कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी भेज दिया, और पुलिस का पीसी ना लेना भी एक देखिए कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। पुलिस का पीसी ना लेना संदेह सबसे बड़ी ये पैदा करता है कि क्या कारण है, क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली, या पुलिस के ऊपर ऊपर से कोई आदेश है कि आप पुलिस कस्टडी नहीं मांगेंगे और जुडिशियल कस्टडी में भेज दें। दूसरी बात, जो भी प्रक्रिया इस मामले में अपनाई जा रही है वो कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से कहीं ना कहीं रेगुलर नहीं है। अब आप ये मानिए कि ठीक है, चलो आप पुलिस कस्टडी नहीं मांगते और जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, ये सिर्फ उसी स्थिति में संभव होता है कि पुलिस कस्टडी ना मांगना जब इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हो, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है और आपको जो आरोपी है से कोई भी चीज बरामद नहीं करनी। अब देखिए, आप ये देखिए कि 7 लाख की पिस्टल के बारे में तो सब बात कर रहे हैं कि आरोपियों के पास एक 7 लाख की पिस्टल मिली जो कि इस्तांबुल से आई है, परंतु कोई भी पुलिस ने जब कस्टडी नहीं मांगी तो पुलिस ने यह कह के कस्टडी नहीं, पुलिस को कस्टडी में यह मांगना चाहिए था कि हमें भी इसका जो सोर्स ऑफ परचेजिंग ऑफ पिस्टल है वो पता करना है। या तो ये बात पुलिस को मालूम हो गई है कि उनका जो सोर्स क्या है और क्या नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों की इसमें इन्वॉल्वमेंट ये होगी कि उनके डायरेक्शन पे पुलिस ने जो है पुलिस कस्टडी नहीं मांगी। देखिए, मैं इस सवाल का, आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि गोली नहीं चलाई, खैर मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि गोली चलाना कोई कानून की प्रक्रिया नहीं है। गोली चलाना कोई कानून की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन गोली चलाने से रोकना जो है कानून की प्रक्रिया है। गोली चलाने से रोकना जो है कानून की प्रक्रिया है। अब आप कहते हैं कि 18 पुलिस वाले हैं। देखिए, जब स्टेट स्पॉन्सर कुछ चीजें होती हैं या किसी चीज में बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है तो वहां अगर 1000 पुलिस वाले भी होते तो शायद इन लोगों का मर्डर हो जाता, क्योंकि ये चीख चीख के रोज कहीं चिट्ठी भेज रहे थे, कहीं जो है ये कॉन्टेक्ट कर रहे थे, कहीं ये कुछ कर रहे थे, क्योंकि इन्हें अंदेशा था। और अंदेशा क्या, इन्हें पता था कि या तो इन्हें एनकाउंटर पे मार देंगे, या इन्हें गाड़ी को गिरा के मार देंगे, या इनके ही लोगों के द्वारा इसे करवा देंगे। और यहां सबसे मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं
कि अतीक अहमद के जो भाई हैं उन्होंने ये कहा था कि हमारे ही लोगों से हमला करवाएंगे। अब आप ये मानिए कि अगर इस वारदात को कोई मुस्लिम अंजाम दे देता तो ये पूरी की पूरी घटना का रूप क्या होता आप सोच भी नहीं सकते। सिंपल सा एक इसमें मैं अपना बिल्कुल पक्ष बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, साहिस्ता परवीन कोई हैबिचुअल और हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। सिर्फ जाति की वजह से अगर आप साहिस्ता परवीन को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं और उनकी पत्नियों को आप टिकट देते हो। मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहन जी को जब कोई गाली देता है तो उसकी पत्नी को इनाम स्वरूप जो है वो पार्टी के टिकट दिए जाते हैं। और आप यहाँ साहिस्ता परवीन को यहाँ वो मुस्लिम होने के नाते आप सिर्फ इस वजह से उसे टारगेट कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है और अतीक अहमद की पत्नी है। अगर यही क्राइटेरिया है कि आतंकवादियों की और गैंगस्टर की पत्नियों को भी आतंकवादी और गैंगस्टर बनाया जाए तो ये जो है ये भारत के हर मामले में लागू होना चाहिए। और ये मामला मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो ये भी है, पुलवामा अटैक की जब बात मैं कर रहा था और इस मामले से इसलिए लिंक कर रहा हूं क्योंकि पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे आतंकवाद के आज भी आरोप लगे हुए हैं, परंतु आप उन्हें ग्लोरीफाई करते हो, आप जो फूलन देवी के हत्यारों को जो महामंडित करते हो, और आप जो लोग हैं जब उड़ीसा के अंदर भीम सिंह को आप जब सम्मानित करते हो, तो मैं ये बता दूं कि अब ये चीजें नहीं चलेंगी। दूसरी बात, साहिस्ता परवीन हो या कोई भी महिला हो जिसका क्राइम से कोई लेना देना हो ना हो, तो ऐसा कुछ मत करिए कि भारत की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और भारत की महिलाओं को अपने बारे में बोलने से ये महसूस हो कि हम किसी ऐसे मुल्क में से आए हैं जहां मीडिया ट्रायल होता है, हम किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां मीडिया तय करती है कि कौन गैंगस्टर है और कौन नहीं, जहां आज मीडिया तय कर रही है कि किसकी हत्या होगी किसकी नहीं, जहां मीडिया एक माहौल बना रही है कि अभी ये गया और दो दिन बाद वो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मीडिया ने जो ये टेररिज्म मीडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो आज भारत में फैल रहा है इसे रोकना होगा क्योंकि ये सबके घर खाएगी। देखिए मिट्टी में मिलाने की जो बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर योगी जी आज इस बारे में जश्न मनाए कि उन्होंने अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया है तो वो मना सकते हैं, परंतु मैं ये बता दूं कि जो मिट्टी है मिट्टी में मिलाने वाली जो बात है, अगर आप जाति और धर्म देख के मिट्टी में मिलाओगे तो यहाँ तो भारत के अंदर तो अच्छे से अच्छे लोगों का जो है घमंड टूट चुका है, ये तो बिल्कुल फिर भी आपका एक जो है राजनीतिक घमंड है। और दूसरी बात, अगर आप जाति और धर्म देख के मिट्टी में मिलाने की बात करते हो तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। भारत के अंदर जब तक संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब तक भारत के अंदर संविधान है, तो ये बात जान लीजिए कि मिट्टी में भी अगर किसी को मिलाया जाएगा तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मिलाया जाएगा वरना नहीं। सर कुलदीप सॉरी यहाँ पे कसाब पकड़ा गया था पाकिस्तान का जो आतंकवादी है उसको बाकायदा कोर्ट में लाया जाता था, उनको सुनवाई होती थी, वकील खड़े होते थे, जिरह होती थी, तारीखें मिलती थी और लंबा समय लगा था, उसको फिर फांसी में लटकाया गया था, ऐसा यहाँ भी हो सकता था इस कार्रवाई। देखिए जब कसाब की आप बात करते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए जिस मामले में भारत के लोगों ने कसाब का समर्थन किया हो। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कसाब के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, भारत के लोग यूनिटी से खड़े थे। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, संवैधानिक माध्यम से अगर अतीक अहमद को फांसी की सजा भी होती तो भी हमें इस बात का बुरा नहीं लगता। संवैधानिक माध्यम से कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी गैंगस्टर को किसी भी आतंकवादी को अगर आप सूली पे चढ़ाओगे तो हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि जितने भी गैंगस्टर हैं वो कहीं ना कहीं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी गैंगस्टर हो जितने भी बदमाश हो जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं उन सबको अगर आप मिट्टी में मिलाओगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत तो हम आपके साथ खड़े होंगे। देखिए अगर ऐसा है अतीक के वकील साहब के घर पर अगर बम से हमला किया गया है तो ये जुडिशियल सिस्टम का जो है काला इतिहास होगा, क्योंकि एक जो वकील है जुर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन, और अगर आज वकील ही चुप हो गया तो बोलेगा कौन। अगर आप ये सोचते हो कि अतीक अहमद के वकील के ऊपर आप हमला करके उनकी आवाज को दबा सकते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि हम उनके एडवोकेट के साथ खड़े थे खड़े हैं और खड़े रहेंगे।